पाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, जुगड़ू गौतम जी, बाबूलाल सैन जी ऊपर आ जाए, बाबूलाल सैन जी स्थान ग्रहण कर ले हमारे साहिबाबाद। साहिबाबाद से विधानसभा से डॉक्टर भोपाल सिंह जी के साथ चल करके आए साथी आपका बलबीर सिंह जी, कृष्णा जी, राम सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकार। खैर मकदम, अब मैं चाहूँगा कि बाबूलाल सैन जी आए और सूक्ष्म में अपने विचार रखें। हमारे बीच में पूनम अम्बेडकर जी और बहन सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकार। आप अपनी महिला शक्ति के साथ चल कर गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बहुत ही सम्मानित युवा डिजारो साथी प्यारे मोहन पाल जी, सुरेश पाल जी अपने साथियों के साथ पहुँचे, बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही सीनियर राकेश कठेरिया जी आए और अपने सूक्ष्म में बात रखें। समय को देखते हुए सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि सभी को समय देते हुए सभी वक्ता अपनी सूक्ष्म में बात रखें। राकेश कठेरिया जी आए और सूक्ष्म में अपनी बात रखें। सभी सर पेरी राम मीरपुर जी और अमरीश मीरपुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बहुत ही सम्मान के काफी मेरे भाई अंकल शर्मा जी, सोनू आनंद जी, मनीष आनंद जी, एडवोकेट विकास जी, एडवोकेट प्रदीप जी, रामपाल जी, संजय एडवोकेट जी, परिदत्त कुमार जी, किए जाएंगे आप उनको जिताने का ही नहीं विरोधियों की जमानत जब्त कराने का भी काम आप करेंगे साथियों, क्योंकि माफ करता है जमाना उन इंसानों को, माफ करता है जमाना उन इंसानों को जो रोक देते हैं बढ़ते हुए तूफानों को। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, हम किसी भी देश के तो शर्म तुम
राजकुमार जी, अंबे भाई जी, धर्मपाल जी, रामेश्वर जी, मुकेश भाई जी, विजेंद्र भाई जी, सीताराम जी, रघु जी भाई जी, शिपनपुरे से बहुत साथी चलकर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप जो आज सभा आकर्षण भवन में हो रही है, ऐसे लगता है जैसे बहुजन समाज पार्टी एक लहर की तरफ दौड़ रही है। मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि अगर आपने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जिताने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी आपका काम करने का काम करेगी, और इस लहर में जो भी आप पर अत्याचार होगा बहुजन समाज पार्टी आपके साथ मुकाबले से मुकाबला और कांधे से कांधा लगाकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ आप बहुजन समाज पार्टी को चुनाव में जिताने का काम करें। इसी के साथ जय भीम जय भारत खुदा भीम जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि आप सभी लोग यहाँ पर आए अपना कीमती समय निकाल कर। साथियों, हम सभी लोग चाहते हैं कि बहन जी का जो शासन काल था वो एक बार फिर से आए, क्योंकि जिस शासन काल में बहन जी के समय में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, हक अधिकार हमारे पास थे, तो वही हम लोग चाहते हैं कि बहन जी ने जो काम किया वो फिर से दोबारा आकर उस काम को कायम करें, क्योंकि बहन जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने भी नहीं किया। जब तक हम लोग जिंदा थे
देखिए, जब हम इस दुनिया में नहीं थे ये दुनिया जमाना तब भी था, और जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे ये दुनिया जमाना तब भी रहेगा, लेकिन जब तक हम जिंदा रहे दुनिया जमाने को ये पता चलना चाहिए कि हम लोग जिंदा हैं। और वो पता चलेगा कैसे? जब हम सोए हुए समाज को जगाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम में और मुर्दों में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि मुर्दा पड़े हैं अपनी अपनी कब्रों में और जिंदा मुर्दे खाते पीते चलते फिरते मुर्दे पड़े हैं अपने अपने कमरों में। तो कमरों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, एक बगावत की ज़रूरत है, एक आंदोलन की ज़रूरत है। बहन जी को सपोर्ट कीजिए, हम सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और एक बार फिर से बहन जी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। बहन जी के शासन को वापस हमें लाना पड़ेगा, हमें वो दिन भी याद रखना पड़ेगा जब हम थाने में जाया करते थे तो इंस्पेक्टर कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाया करता था, आज हमारी सुनवाई नहीं होती है। अगर चाहते हो बहन जी का शासन हो तो दोबारा से संघर्ष करो। अनिल गौतम जी, राजकुमार सेन जी, के पी जी, परवेद तोमर साहब अपने सैकड़ों साथियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में बहुत ही सम्मान के काबिल लीलाराम प्रधान जी, हमारे मोदीनगर के साथी हरपाल प्रधान जी, परवेश तोमर जी, प्रेमपाल जी, राजकुमार सैन जी, मेरे बहुत ही सम्मान के काबिल भाई अली गौतम जी, जिला पंचायत सदस्य रूपचंद जी, हमारे मोदीनगर से बहुत सारे साथी माताएं बहने आए हैं। आपका एवं बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं और महापुरुषों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय काजीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित मंच को सामने बैठी हुई मातृशक्ति और दूरदराज से आए हुए इस प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण साथियों, उपचुनाव का समय आ चुका है और आपने देखा होगा कि भाई आकाश आनंद जी जब पहले कहते थे कि बहन जी को के एसी में बैठी रहती है और ये लड़का एसी वाला है, लेकिन साथियों आपने देखा होगा गली गली की खाद भाई आकाश आनंद जी ने पिछले एक डेढ़ महीने से छानी है, और ये हरियाणा ने दिखा दिया है साथियों कि बहुत ही जल्दी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसके कुशासन को आप लोग देख रहे हैं। आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब साथियों चुनावी समय है और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी अपने कार्यकर्ता अपने मतभेद भुला करके इस चुनाव में जी जान से जुट जाए और भारी से भारी तादाद में जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, साथ ही हमारा प्रत्याशी हाथी चुनाव चिन्ह है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले और भी आएंगे, वो समाज का आपको कहेंगे कि आपके समाज से हूँ या आपके समाज से चुनाव लड़ रहा हूँ। साथियों आपको समाज नहीं देखना है, आपको व्यक्ति नहीं देखना, आपको केवल हाथी और चुनाव चिन्ह हाथी देखना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय काजीराम साहब अमर रहे, जय भीम जय भारत, खुदा भी नमो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय काजीराम साहब को नमन करते हुए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए, आज इस चुनावी हमारे संगठन की तरफ से गाजियाबाद उपचुनाव में अभी आपके सामने कैंडिडेट के रूप में नाम घोषित किया जाएगा, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही नाजुक समय है, हमें इस नाजुक समय में बहन जी का साथ देना है। बहन जी जिस भी प्रत्याशी को हमारे बीच में भेजेंगी, हमें उस प्रत्याशी को तन मन धन से और
और अपनी पूरी सपोर्ट और वोट देकर के कामयाब बनाना है। साथियों, आपको मालूम है बहन जी ने सर्व समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसमें सैन समाज को भी बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सैन समाज के नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा देकर चेयरमैन बनाकर सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं भी आपके बीच में करीब 25 साल से काम कर रहा हूं और निस्वार्थ भाव से बगैर संगठन के पद लेने के बावजूद भी सक्रिय रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा हूं। मैं मानता हूं बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं और बहन जी अगर मजबूत होंगी तो हम सब लोग मजबूत होंगे। बहन जी अगर कमजोर हुई तो हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी में आज सैन समाज अति पिछड़े वर्ग में जो आता है वो पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस उपचुनाव में सैन समाज की लगभग गाजियाबाद विधानसभा में 20 से 25,000 वोट हैं। एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ दिया जाएगा सैन समाज की तरफ से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। सम्मान के लिए अपनी बात सभी सूक्ष्म में रखें, मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा। बहुत ही सम्मानित माननीय पंकज शर्मा जी भी आए और पंकज शर्मा जी अपनी सूक्ष्म में बात रखें। पंकज शर्मा जी। सभी साथियों को जय भीम। और हमारे सामने बैठा हुआ एक एक व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजा दो पहले एक बार। जो तालियां आप लोगों के लिए, और अभी भी बहुत कमजोर ताली है, जबरदस्त ताली बजनी चाहिए। मतलब इतनी जबरदस्त ताली बजनी चाहिए आप लोगों के लिए, जितनी तालियां बजाओगे उतना कम। आप लोगों ने समय से पहले इस पूरे मंच को जो सम्मान दिया है ना, उसके लिए जितनी आपको तारीफ की जाए उतना कम है। मैं खाली बहुत सक्षम शब्दों में एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतने लोगों से आप सुबह से शाम तक मिलते हैं, हम लोगों में एक कमी रह जाती है। वो कमी हमारी क्या रह जाती है कि हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा, हम बोलते बहुत अच्छा है, हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी बात लोगों तक पहुँच नहीं पाती। मैं आप लोगों से बस हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया को मजबूत करने का काम करें, जो आपको इतने सारे ग्रुपों में आप लोग शामिल होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भाषा होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द होते हैं, उनको अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर आप जितना ज़्यादा अपने लोगों को बढ़ाएंगे, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी और आप उतने ही बड़े होते जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। मैं बार बार आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ, आप लोगों के बिना कुछ संभव नहीं है। जैसे आप लोगों ने आज ताकत दिखाई है, जब आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे ये ताकत जबरदस्त तरीके से दिखनी चाहिए। जय भीम। नमस्कार। हंसराज जी जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो सभी सभी मंच की तरफ आ जाए, सभी साथी, सभी हमारी बहने, जिन सभी के नाम लिए गए वो सभी मंच की तरफ आ जाए। जय सिंह जी, नरेंद्र बिल्लू जी, राजवती गौतम जी, पूनम मोहन जी, हंसराज जी, हेमचंद जी, हेमचंद जी, हेमचंद जी, बाबूलाल सैन जी, बाबूलाल सैन जी, पंचशील सेवा समिति से डॉक्टर भोपाल जी, पिंकी बौद्ध जी, पिंकी बौद्ध जी, बहोरी सिंह जी, डॉक्टर अम्बेडकर कला समिति, और मेरी एक साथियों से जो अगली रो में लेफ्ट साइड पर में जो रो है ये हमारे पत्रकार साथियों के लिए है, तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि ये आगे वाली रो लेफ्ट साइड पर खाली कर दें। टेंट वाले साथी जहाँ भी हो वो मंच पे आए, टेंट का काम जो भी साथी देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो मंच पे आके संपर्क करें, जो भी साथी टेंट का काम देख रहे हैं। तो यार बताओ सुषमा बोल जी,
मूर्ति की, प्यारे मोहन पाल जी मंच की तरफ आ जाए। प्यारे मोहन पाल जी सेवा मंडल से बबीता दीवान जी Thank you.